हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं। मैं एक बार इन शॉर्ट वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुने सब लोग। जो मैंने कल डेफिनेशन बताई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बी बराबर एफ अपॉन एम, एफ फोर्स होता था, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती थी, राइट। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ होता था, उसकी यूनिट होती थी एम्पियर मीटर। तो मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला था जैसे ये कोई नॉर्थ पोल है, ठीक है जी, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और मैंने पूछा भी था आपसे इस पोल्स के चारों तरफ अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, ऐसा आपने बोला था। फिर मैंने आपसे पूछा था कि भैया ये जो पोल है इसके कारण इसके पास ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बता सकते हैं आप लोग? इस तरफ होगी। कितने लोगों को पता है कि भाई ये डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ होगी? कितने लोगों को पता है? सिखा चुका हूँ कल। आपको कैसे पता चला कि डायरेक्शन इस तरफ होगी? हैं? अच्छा, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है वहाँ पर हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल अज्यूम करते हैं, है ना। यानी यहाँ पर हम लोग एक पोल अज्यूम करते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल, है ना। और इस समझ रहे हैं ना सब लोग, यानी यूनिट पोल स्ट्रेंथ का हम लोग यहाँ पर नॉर्थ पोल कंसीडर करते थे, ऐसा मैंने बताया था। ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और चूंकि इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा था इसीलिए हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोला। सही बोल रहा हूँ? ये सारी कथा मैं आप लोगों को कल तक बता चुका था। मैंने इसकी डेफिनेशन बनाना सिखाया था आपको, मैंने लिखा था अगर एम बराबर वन लिख दूंगा तो बी बराबर एफ। सीन क्लियर है सभी को? बी क्या था यहाँ पर? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमें मालूम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर अलग अलग होती है। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लें और ये पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैंने बोला था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल विच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये कथा मैं आप लोगों के सामने कल तक कर चुका था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल विच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये बात हमारी कल तक हो गई थी, आज मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तैयार है हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो मुझसे ये कह रहा है अगले क्वेश्चन, पहले एक बात और बताओ यारो, तुमने ये डेफिनेशन पढ़ ली पूरी, डेफिनेशन समझ में भी आ गई, फॉर्मूला होता है बी बराबर एफ अपॉन एम। यहाँ पर ये कौन सा वाला एम है? ये वाला पोल स्ट्रेंथ जो इस पॉइंट पर रखा हुआ है, ये वाला तो नहीं है ना, ये वाला है। सीन क्लियर है? बढ़ू आगे? आगे बढ़ता हूँ। अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझसे अगला क्वेश्चन जो वो कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, क्लियर, लिसन एवरीवन। उसने मुझसे कहा है कि एक सिंगल पोल है, एक सिंगल पोल है, ये पोल मैंने यहां रख दिया पॉइंट ऊपर, एक पोल सिचुएटेड है स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ का। कितनी पोल स्ट्रेंथ है इसकी? ये कोई सा भी पोल हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, कोई भी पोल हो सकता है ना। तो कह रहा है एक सिंगल पोल के कारण उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर, मैंने मान लिया इस पॉइंट पी का इस पोल से जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो कह रहा है वो, हमें मालूम है इस पोल के कारण चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी। तो वो कह रहा है इस पोल से आर डिस्टेंस पे स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल। सीन क्लियर? तो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो वहां पर हम लोग यूनिट पोल स्ट्रेंथ का पोल मान लेते हैं। सीन क्लियर है? तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा है बचपन में, बी बराबर एफ अपॉन एम। मुझे बता सकते हैं ये वाला एम इत्तेफाक से कौन सा एम है, ये वाला है या ये वाला है?
ये वाला है, सीन क्लियर है। मैं चाहूँ तो स्मॉल m भी रख सकता हूँ यहाँ पर, और मैं चाहूँ तो स्मॉल m की जगह 1 भी रख सकता हूँ, आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, सीन क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ यारों, मैंने बचपन में कूलम्स लॉ पढ़ा था, वहाँ पर मैंने पढ़ा था f इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई m1 m2 अपॉन, हम लोग जानते हैं। तो f की जगह मैंने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया म्यू 0/4 पाई, m1 की जगह स्मॉल m, m2 की जगह चाहे 1 रख दो चाहे स्मॉल m रख दो, मैंने यहाँ स्मॉल m रखा है ना, यहाँ भी स्मॉल m रख दिया अपॉन r स्क्वायर, सीन क्लियर है। म्यू 0/4 पाई m1 की जगह भी m, m2 की जगह भी m अपॉन r स्क्वायर अपॉन में, स्टेप समझ में आया भैया? आप m से m कट गया, अगर मान के चलो इस m की जगह 1 रखते हो तो यहाँ भी 1 आता, यहाँ भी 1 आता, तो 1 से 1 कट जाता, चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। समझ में आई बात? तो गौर से देखिएगा, हमारा जो रिलेशन आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर। ये जो रिलेशन हमारा आया है दैट इज इन SI सिस्टम, तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, सीन क्लियर है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है भैया? फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे पूरे चैप्टर में यही लगेगा, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। वो कह रहा है एक सिंगल पोल के कारण उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, रिलेशन आ गया बी बराबर म्यू 0/4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए कौन सा पोल जिम्मेदार है, ये वाला या ये वाला, इधर वाला या इधर वाला, ये वाला जिम्मेदार है, इसी की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है? माइंड इट, इस फॉर्मूले में कौन सा वाला है, मैं ये वाला, और इस फॉर्मूले में कौन सा वाला है, मैं ये वाला, समझ गए ना मेरी बात को? सीन इतना सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि कहां पर कौन सा है मैं, ठीक है भैया? आगे बढ़ो, पता कैसे चलेगा? हम तो दोगुन में स्मॉल एम आ रहे हैं, बोलो गुग्गी बस जाएगी अपनी, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे पता चलेगा? तो कैसे इशारा मिलेगा वो बता रहा हूँ। ये वाला लगाओगे तो फोर्स जिस पे लग रहा है, अपन इसी पे फोर्स की बात तो कर रहे हैं, तो वह जिस पे फोर्स लग रहा है यहाँ वही वाला एम आएगा, और ये वाला लगा रहे हैं तो फिर इसके अलावा जो दूसरा है वो आएगा, बात समझ में आ रही है, सीन क्लियर है, कहोगे कोई दिक्कत? तो पहले अच्छा, ये जो रिलेशन हमारा है SI सिस्टम में, CGS में आप बताना चाहोगे क्या हो जाएगा? CGS में m अपॉन, ये तो कोई भी बता देगा, यूनिट क्या होगी? हाँ, या तो मैं गॉस लिख सकता हूँ या फिर मैं और स्टेट भी लिख सकता हूँ, कोई मुझे बता सकता है? एक टेस्ला बराबर कितने गॉस? 10^4 गॉस या और स्टेट, एक न्यूमेरिकल में करवाया था आपको, है ना? अभी एक आध क्वेश्चन बाद आ भी जाएगा शायद आपके सामने, पहले इतना देख लो फिर आगे की बात करूंगा। इससे पहले कि मैं इसे मिटाऊं, कुछ और भी कहना चाहता हूं। आपको याद है जैसे यहां पर रिलेशन आया b बराबर म्यू 0/4 पाई m अपॉन r स्क्वायर, क्लियर? जिन लोग अच्छा पढ़ते हैं, चैप्टर 1 भी जिन लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर 1 और इस चैप्टर की कॉम्परेटिव स्टडी करना, दोनों को अलग अलग याद करने की कोशिश करोगे तो वर्कलोड बढ़ेगा, एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर आएगा, राइट? तो वो चीज़ ना हो इसलिए कॉम्परेटिव स्टडी करो, जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब इतना तो सेंस आप लोगों के अंदर होगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, क्लियर? पहले चैप्टर 1 पढ़ना, फिर इसको इससे कंपेयर करना, तो आपको दोनों के डिफरेंसेस पता चलेंगे। आइए देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपने पढ़ा था, जैसे पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता था, उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q/r2, याद आ रहा है सीन? थोड़ा एहसास कराता हूँ, गौर से देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जो कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता था उसकी जगह म्यू 0/4 पाई आ गया, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ होती थी, पोल स्ट्रेंथ की जगह यहाँ चार्ज, जो काम मैग्नेट में पोल्स का होता है वो काम यहाँ चार्ज का होता है, आर स्क्वायर एज इट इज नहीं है मेरे पास,
कईयों के दिमाग में जाते खुजली तो ना है रही कि कहाँ हो। क्लियर? जैसे जामे के है, जामे का आवत्व है म्यू आर, याद है ना, म्यू आर अपन पहले ही चिपका चुके हैं वन एयर और वैक्यूम के लिए। सीन क्लियर है ना? अच्छी बात है, आप महान हैं। तो मैं इसे मिटा दूं, मिटाता हूं। इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है डिफाइन द वेरियस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ लिख के आए हो कि आपको ऑटोमेटिकली याद है। और फिर भी आपका मन रखने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गौर से सुने। अभी आप ही ने 2 मिनट पहले जवाब भी दिया था मुझे। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एक एसआई सिस्टम में होती है, एक सीजीएस में होती है, एसआई में होती है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सीजीएस सिस्टम में होती है गॉस या फिर ऑरस्टेट। सीन क्लियर है भैया? कहा हुए को परेशानी, बढ़ू आगे। ये यूनिट, ये यूनिट और ये यूनिट, ये तीनों साइंटिस्टों के नाम पर बेस्ड है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसका रीजन मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में बता चुका था, ये कहाँ से आई है यूनिट, याद है आप लोगों को? कमीनो, मैंने तुमको बताया था अगर याद हो तो, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आई करंट है, करंट की एम्पियर, नीचे ले आऊं यहाँ पर, एल लेंथ है, लेंथ की, नीचे ले आया, बी एज इट इज रख दिया। साइन थीटा तो कांस्टेंट होता है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो समझ में आया बी बराबर ये यूनिट कैसे आई ये वाली। ये मैंने निकालना सिखा दी, चैप्टर 6 जिस दिन शुरू करूंगा उस दिन ये बताऊंगा ये वाली कहाँ से आई है। क्लियर है? वैसे इशारा करता हूँ आपको, चैप्टर 6 जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा। वैसे अभी आप मैग्नेटिक फ्लक्स से वाकिफ नहीं है कमीनो, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से तो वाकिफ हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद होने का आता हो। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है फाई बराबर ई की जगह बी आ जाता है, बस बाकी सब सेम है। क्लियर है? अब सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में नापते हैं, काहे में नापते हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होगी वेबर, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, तो एरिया की यूनिट नीचे ले आऊं मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा कांस्टेंट होता है, उसकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो समझ में आया वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आया ये? बाकी का तो जब पढ़ाऊंगा फिर दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो ये सब यूनिट्स हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। ओके भैया, कर पाएंगे हम लोग? इनमें रिलेशन भी होता है, मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे उसमें यूज़ भी हुआ था ये रिलेशन। 1 टेस्ला बराबर होता है 10^4 गॉस, ये गॉस की जगह आप लोग ऑरस्टेट भी लिख सकते हैं। क्लियर? पठन ने मुझे यूनिट भी पूछी है कि मैं यूनिट बताऊं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, तो बी बराबर न्यूटन, न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस, डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ रहा है हमसे, है ना, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, ए एम्पियर ए, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला ए ही होता है एम्पियर का, मीटर का, मीटर लेंथ होती है तो एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए पे पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। क्या मैं उम्मीद करूँ आप लोग मेरी बात को समझ पाए? बोलो भैया, कागज को परेशानी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं? कितने पोल होते हैं? चूंकि मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, इसलिए मैग्नेट को कई बार हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल देते हैं। क्लियर? क्या बोल देते हैं? किसी जगह अगर वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये अंडरस्टूड है कि वो मैग्नेट की ही बात कर रहा है। काय की बात कर रहा है? हाँ, बात समझ में आ रही है सभी को? इतना पढ़ लो फिर आगे की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी का हो गया होगा, दोनों नोट पढ़ लिया आप लोगों ने। इसके बाद आगे की बात करता हूँ, तो मैग्नेटिक डायपोल किसको बोलते हैं भैया? मैग्नेट को। आपको याद है चैप्टर वन में मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में डिफरेंस बताया था, याद है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती थी, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती थी, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस
मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती थी, और मैग्नेट के अंदर? क्या हम लोग वाकिफ हैं इस बात से? अच्छा, आपको याद है मैंने आपको डायपोल मूवमेंट पढ़ाया था चैप्टर वन में, पी बराबर क्यू इंटू टू एल, है ना? याद है? सेम डायपोल मूवमेंट, वहाँ डायपोल मूवमेंट की जगह यहाँ बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? सेम कहानी है, गौर से देखिएगा। इधर ये मैंने मैग्नेट बनाया है, देख पा रहे हैं आप लोग इस मैग्नेट को? ये मैग्नेट के दो पोल्स हैं, ये मैग्नेट की एक्सिस है, ये जो लेंथ होती है इसे इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं आप लोग? दो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू टू एल। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का? कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू टू एल। वैसे बता सकते हैं आप लोग स्मॉल एम क्या है यहाँ पर? मुझे बता सकते हैं पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर, बताया था आपको पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर। 2L लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर लिखूंगा तो मीटर 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 स्क्वायर। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का? कोई पट्टा तो मुझसे डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ रहा है, तो एम्पियर को डायमेंशन फॉर्मूला ए और मीटर को एल, तो जी आएगा डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट का? हाँ, एल स्क्वायर है या ए एल स्क्वायर, सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी? आगे बढ़ते हैं। किसी ने पूछा मैग्नेटिक मूवमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एम, क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। दोनों में से किसी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ हम लोग ले सकते हैं, राइट? 2L क्या है? या तो इफेक्टिव लेंथ बोल दो या बोल दो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, क्लियर है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन पोल प्रेजेंट इन द मैग्नेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, क्लियर है सीन? अगेन आई रिपीट, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन पोल प्रेजेंट इन द मैग्नेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, सीन क्लियर है? मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, आपने देखा था जब पढ़ाया था चैप्टर वन में, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती थी मैग्नेट के बाहर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती थी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही होती है। कोई पूछे मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, तो बोलना साउथ पोल टू और चूंकि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी होगी? हाँ, दैट इज वाई मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या मैं उम्मीद करूँ हम लोग समझ गए इस बात को? एक बार डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन पोल प्रेजेंट इन द मैग्नेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, सीन क्लियर है? इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज एल स्क्वायर ए, क्लियर है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उस न्यूमेरिकल में वो मुझसे कुछ कह रहा है। न्यूमेरिकल में उसने मुझसे कहा है एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ 31.4 सेंटीमीटर है। कितनी है इफेक्टिव लेंथ दे रहा है? 31.4 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज 0.5 एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ को लेटर एम से डिनोट करते हैं, 0.5 एम्पियर मीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट बोले तो कैपिटल एम हमें निकालना है। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? गौर से देखिएगा। भैया मुझे मालूम है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू 2L, राइट? काफी सारे लोगों ने स्मॉल एम की वैल्यू दे दी, 2L दे दो, आंसर निकाल लो। कमीनो जो सेंटीमीटर है को बदलेगा। कुछ लोगों ने ये मिस्टेक किया होगा, कितने लोगों ने किया था एक्सेप्ट करो, जिन लोगों ने किया था
क्योंकि भैया देखो एम्पियर मीटर ये ऐसा ही सिस्टम है, तो ये सीजीएस में है, इसे भी बदलना पड़ेगा ना। ये तो पहली मिस्टेक है और ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, ये तो बहुत लोग करते ही हैं, लेकिन एक और मिस्टेक बताने के लिए मैंने स्पेशली दिया था आपको ये करने के लिए। सेंटी कितना होता है? -2। बदल गया, अब ओके हो गया। इसके बाद और सुने, ये मिस्टेक तो करते हैं लोग काफ़ी, पर ये मिस्टेक से आप अनजान नहीं होते, आपको पता होता है बोलना है, कबूल कर ली। लेकिन ऐसी मिस्टेक कईयों लोग जो अनजाने में करते जिसका पता ही नहीं होता उनको, क्या करते हैं वो देखें, जिन लोगों ने की हो बाद में एक्सेप्ट करना, ठीक है। कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 12, तो वो बढ़िया, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम की वैल्यू 0.5 इंटू 2 इंटू लेंथ कितनी दी है 31.4 इंटू 10 टू द पावर -2। ऐसे ही करते हैं कमीनो, काफ़ी लोगों ने यह 2 लगा, चुप है, काफ़ी लोगों ने यह 2 लगा दिया होगा। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, तो वो 2L ना लिखा, भैया लिखता ही L है, मैंने तो लिखता ही है 2L, भैया L लिखते हैं, L लेंथ है तो सीधी L ही समझ में आवाती है, 2L कहूँ आए ना दिमाग में आई ना, बोलो करते हैं कि नहीं, तो वो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर जाते हैं और बेड़ा गर्क हो जाता है, समझ में आ रही है बात। इफेक्टिव लेंथ अगर उसने बोला है तो वो हमें पूरी 2L की वैल्यू दे रहा है, समझ में आई बात। कितने लोगों को लगा कि हाँ यार ये वाकई मिस्टेक थी, कितने लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ मिस्टेक थी, हाँ वेरी गुड। तो एम एगो 0.5 2L की जगह जो धरता हूँ, फिर बाकी का तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बच्चा हो। 0.1570 एम्पियर मीटर स्क्वायर, फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे की बात करूँगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं ना चैप्टर के लास्ट में, ये बाद में दिए जाएंगे, उनमें मिलेगा, तो न्यूमेरिकल्स में मैं बाद में इम्पोर्टेंट नहीं लगवा पाऊँगा, लगा लेना। ये जो न्यूमेरिकल मैं कराने जा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्ज़ाम में कईयों बार आया हुआ न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, आ जाता है ना। 90 के लिए नहीं है, 90 से ऊपर के जो 10 हैं उसके लिए है। क्लियर, तैयार हैं हम लोग। क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि मेरे पास एक मैग्नेट है, क्या है बच्चों? जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों, एक मैग्नेट है, ऐसे ही तो होता है मैग्नेट, होता है, अच्छी बात है। अब वो कह रहा है ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M है, ऐसा बोल रहा है। क्या कह रहा है? इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M है। कैपिटल M है तो हम तो फॉर्मूला जानते हैं, स्मॉल M इंटू 2L, बोलो भैया, इक्वेशन नंबर 1। लेंथ पहनते माने का चुदा ही नाने पर हमें मालूम है कैपिटल M को फॉर्मूला चाहिए होता है कि ना होती 2L ये लेंथ है जाके। तो उसका क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहा है कि ये जो मैग्नेट है ना, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M है। अब मैंने जो मैग्नेट है हाथ में लो जो मरोद दो का कर दो, हाँ सेमी सर्कल फॉर्म में, कैसे फॉर्म में? तो ये नजारो ऐसे आओ हेजागो नहीं है, हेजागो हेजागो ना, तो नलायक हो, ये नॉर्थ है गो, ये साउथ है गो, जिका है गो, डायमीटर है गो, टुर, क्लियर। डायमीटर कितने के जाओ? 2R, सीन क्लियर है ना, डायमीटर 2R होते ही देख तो जानता है, ऐसे कहाँ आके फैला के देख रहे हो, मुझे देखू ना मालूम का। अब मोते यो कह रहे हो कि जब मैंने इस मैग्नेट को सेमी सर्कल फॉर्म में बैंड कर दिया तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, यानी वो नया मैग्नेटिक मूवमेंट M डैश मान लिया मैंने, वो जानना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, करूँ दप्पा? आओ M डैश, भैया मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन साला मुझे इतना मालूम है कैपिटल M बराबर स्मॉल M इंटू 2L होता है, राइट। तो नया मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे निकालना है, तो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल M, पोलों की पोल स्ट्रेंथ तो स्मॉल M होती है। अब लेंथ यहाँ पर, अब ये क्या हो जाएगी? 2R, बोलो भैया, अच्छी बात है। तो M डैश बराबर M इंटू 2R, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? M इंटू 2R समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ लल्ला, मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है, तो जब मैंने जाए जो घुमाया था तो ये कितने हो गो? 5 ही हो गो। अब ये 2L है, अब 2L को मैंने ऐसे बेंड कर दिया तो ये मुझे दिख रहा है सरकमफेरेंस का आधा है। सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। सरकमफेरेंस का आधा कितना हो जाएगा? यानी मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि ये जो 2L है वो 2L अब ऐसे हो गई है,
यानी ये 12 काय के बराबर हो रही है 2 पाई आर बाई, मैंने समझ में नहीं आया कहां कराया था मुझे, सीन क्लियर है? 2 से 2 टनक दूं, बोलो भैया जी कौन कहा कर रहा हूं मैं, हुआ है तो टावर डीले है, चुप बैठ, टावर डीले है, 2 से 2 कट गया, सीन क्लियर है? पाई को अगर नीचे ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन पाई इज इक्वल टू आर, वाह 2 से 2 कट गया हमारे नीतीश गुप्ता, क्लियर? यहां तक बात समझ में आई सभी को? तो आर बराबर हो गया 12 अपॉन पाई, तो आर की जगह धर दूं तो ये मैंने धर दिया 12 अपॉन पाई, क्या कर रहा हूँ भाई, थाप थपर रहे जाएंगे बाल, क्लियर है जन्नो, काउगे को परेशानी आयो लू, इतने गई समझ में आ गई तो लाला रे जे 2 अपॉन पाई तो मैंने भैंसों की, हाँ स्मॉल m इंटू 2l का के बराबर है, ये आ गया, नहीं आई मेरी बात समझ, तो m डैश बराबर आपका आ गया 2m अपॉन पाई, सीन क्लियर है? ये ओटी के फॉर्मेट में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ओके आज के लिए मर्याद, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, लव यू गाइस, जय हिंद।